जी बिल्कुल, ऐसे ही इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। हमारा जीवन इंडक्शन मोटर के बिना अधूरा है, मतलब हम जी ही नहीं सकते इंडक्शन मोटर के बिना। हाँ यार, यह बिल्कुल सच है। हमारे घरों में सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, टंकी में पानी चढ़ाने वाली मोटर, कूलर, एसी, इन सब में इंडक्शन मोटर ही तो यूज होती है, यहाँ तक फ्रिज में भी। अब आप कहोगे फ्रिज में कहाँ यूज होती है, फ्रिज में भी यूज होती है। हर फ्रिज अपनी मोटर को छुपा के रखता है, दिखाता कोई नहीं। यहाँ तक कि टेस्ला की जो भी कार आती है उन सभी में थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही यूज होती है। शॉपिंग मॉल में लगे एस्केलेटर, लिफ्ट, इन सब में पावरफुल थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही यूज होती है। इस मोटर की रनिंग क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन वाइज यह इतनी मजबूत होती है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर से पहले हम एक स्टार्टर लगाते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली में यह स्टार्टर मोटर की सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है, यह मोटर से पहले जो भी फ्यूज, एक छोटा ट्रांसफॉर्मर और जो भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है। क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होती है तो इतनी पावर के साथ में स्टार्ट होती है कि मोटर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे पहले जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उनकी बैंड बज सकती है। यह मोटर तभी खराब हो सकती है जब हाई वोल्टेज या हाई करंट सप्लाई दे दी जाती है, वरना इस मोटर की लाइफ कितनी भी हो सकती है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे घर में एक इंडक्शन मोटर है जो तब से है जब मैं पैदा ही नहीं हुआ, लगभग 30 साल पुरानी मोटर है वो, और आज तक एक भी बार वह खराब नहीं हुई है, ना अमेजिंग। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी इंडक्शन मोटर है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। और यही इसका मेन रीजन है कि यह मोटर इतनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह मोटर सिर्फ ऐसी जगह पर काम में ली जा सकती है जहां पर इसे कैसे भी चले इसकी स्पीड से इसके वोल्टेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो। ऑटोमेशन इंडस्ट्री होती है वहां पर यह मोटर बिल्कुल भी यूज नहीं होती, क्योंकि यह मोटर ठीक उसी इंसान की तरह काम करती है जिसको यदि किसी काम पर लगा दिया जाए तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसको यह नहीं कहा जाए कि भाई रुक जा। ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ऐसी मोटरें यूज होती है जो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती हो, जिनकी स्पीड कंट्रोल अच्छे से होता है और जो हाई स्पीड और लो स्पीड पर आसानी से रन कर सके। और जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी ना ही तो ज्यादा स्पीड होती है, और इसी वजह से हमारे घरों में जो ग्राइंडर मिक्सर यूज होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर लगी रहती है जिसकी स्पीड 18,000 RPM होती है, यानी एक मिनट में वह 18,000 राउंड घूम जाती है। जबकि इंडक्शन मोटर 1500 से 3000 RPM तक की स्पीड पर ही घूम पाती है। ऊपर से इस मोटर की स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, इसी वजह से ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इस मोटर का यूज नहीं होता है। जैसे ड्रोन होता है उसके अंदर ब्रशलेस DC मोटर यूज होती है जिसकी स्पीड 40,000 RPM तक हो सकती है, और जैसे ड्रोन को घुमाना है, आगे पीछे करना है, तो यह सब मोटर की स्पीड कंट्रोल से ही होता है, तो वह एक ऑटोमेशन का पार्ट है। इंडक्शन मोटर में भी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, पर इससे भी बेहतर हमारे पास में मोटर अवेलेबल है ऑटोमेशन में, इसलिए इसका यूज स्पेशली ऑटोमेशन में कम आता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे डेली लाइफ में इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यह स्टार्ट नहीं होती है। आपने कभी देखा होगा कभी इंडक्शन मोटर को, तो उसका अपन स्विच ऑन कर देते हैं पर मोटर घूमती नहीं है, और जैसे ही थोड़ा हाथ से सहारा लगाते हैं तो मोटर घूमने लग जाती है, और कोई सी साइड में ही इसके हाथ से सहारा लगा दो उसी साइड में यह घूमने लग जाएगी, क्योंकि यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है बाहर से कैपेसिटर लगाकर। अब यदि आपके घर में ऐसी मोटर है तो आपको इसकी पूरी गणित समझ में आने वाली है। यदि ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप खुद ही इसको अपने आप से सही कर सकते हो, किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बाहर की तरफ एक वाइंडिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, और यह बीच में लगा रहता है रूटर। इस कंडीशन में जब मोटर को ऑन किया जाता है तो इस मेन वाइंडिंग में जो टॉर्क जनरेट होता है वह फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जनरेट होता है, तो यह मोटर कोई सी साइड में भी नहीं घूम पाती, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो एकदम 0 degree का होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब इस मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इस वोल्टेज और करंट के बीच में थोड़ा सा एंगल क्रिएट करेंगे, तभी जाकर इसमें फोर्स जनरेट होगा और तभी मोटर घूम पाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस मोटर में एक वाइंडिंग और लगा देते हैं इस साइड में जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। यदि आप सीलिंग फैन को खोलकर देखोगे तो उसमें दो वाइंडिंग लगी रहती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है इस मोटर को घुमाना, और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में लगा रहता है एक कैपेसिटर। तो जैसे ही हम इसमें कैपेसिटर लगाते हैं तो यह कैपेसिटर क्या करता है, करंट को वोल्टेज से लीड कर देता है, और वोल्टेज और करंट के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है जो टॉर्क जनरेट करता है मोटर को एक डायरेक्शन में घुमाने के लिए। वैसे तो इंडक्शन मोटर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, प्लस माइनस का कुछ नहीं होता है, पर जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग में से हमें पता नहीं चलता है और हम किसी भी वाइंडिंग में लगा देते हैं, और इसी वजह से कभी कभी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में भी घूमने लग जाती है। तो हमें जस्ट
कैपेसिटर के कनेक्शन बदलने होते हैं और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। और अक्सर हमारे घरों में यही होता है कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है वह थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे चलने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर लगा रहता है वह डाउन हो जाता है और इसके बीच में जो एंगल होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर एक टाइम के बाद में एंगल एकदम जीरो हो जाता है तो फिर हमारा फैन चलना ही बंद कर देता है। और हम क्या करते हैं, एक नया कैपेसिटर लाते हैं और वहां पर लगा देते हैं और वह कैपेसिटर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करता है। आप बस यह सिंपल सा डायग्राम याद रखो, जब भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोई दिक्कत आती है और यदि आप उसको खोलो और यदि आपको उसका कनेक्शन समझ नहीं आए तो आप इस डायग्राम की हेल्प से उसके कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मत खोल लेना, उसमें अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको आप ठीक कर सको, सिर्फ एक रूटर और स्टेटर वाइंडिंग होती है, बाकी कुछ नहीं। जो अपनी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग होती है, उसमें किसी कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें तीन फेज होते हैं और तीनों फेज के बीच में जो एंगल होता है वह 120 डिग्री का ऑलरेडी उसमें रहता है और इसी वजह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है। आपने इन मोटर्स का रूटर देखा हो अंदर से खोलकर, तो यह एकदम सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उस पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं होता कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इंडक्शन मोटर का जो रूटर होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके अंदर सॉलिड कॉपर बार लगी रहती है जो साइडों में से एंड रिंग के थ्रू एक क्लोज सर्किट बनाती है। और यह रूटर जब मोटर स्टार्ट होती है तो हाई टॉर्क जनरेट करता है मोटर को फोर्स के साथ में घुमाने के लिए, और इसी वजह से इंडक्शन मोटर के रोटर पर तो खराब होने का कोई सिस्टम ही नहीं होता है और जो स्टेटर होता है वह खराब हो सकता है सिर्फ ओवर वोल्टेज और ओवर करंट की वजह से। और यही सबसे बड़ा मेन रीजन है कि इंडक्शन मोटर आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे इंडक्शन मोटर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक छोटी सी आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ऐसे ही स्टडीज आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।